बात पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की करते हैं, जिन्हें कलकत्ता हाई कोर्ट से जबरदस्त फटकार लगी है। दरअसल बंगाल के राज्यपाल के लिए मानहानि के मामले को लेकर के कोर्ट ने ये फटकार लगाई है। ममता बनर्जी और टीएमसी के तीन और नेताओं को ये निर्देश दिए गए हैं कि वो राज्यपाल के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी ना करें। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी समेत चार लोगों पर गवर्नर सीवी आनंद बोस के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी को दो टूक शब्दों में कहा है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार मन माना नहीं है, बोलने की आजादी की आड़ में अपमानजनक बयान देकर संवैधानिक पद पर बैठे किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा धूमिल नहीं कर सकते। 14 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई होगी, तब तक किसी पब्लिकेशन या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए गवर्नर के खिलाफ अपमानजनक या गलत बयानबाजी नहीं की जाएगी। दरअसल बीते 28 जून को गवर्नर सीवी बोस ने कलकत्ता हाईकोर्ट में सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ उस बयान को लेकर मानहानि का मुकदमा दायर किया था, जिसमें ममता बनर्जी ने कहा था कि राज्यपाल के खिलाफ हालिया आरोपों के कारण महिलाएं पश्चिम बंगाल में राजभवन में जाने से डरती हैं। बोस की याचिका में ममता बनर्जी के अलावा तृणमूल कांग्रेस के दो नव निर्वाचित विधायकों सायंतिका बनर्जी, रियात हुसैन सरकार और टीएमसी नेता कुणाल घोष के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था, जिस पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि ममता बनर्जी राज्यपाल के खिलाफ अपमानजनक बयानबाजी ना करें। ममता के वकील ने हाईकोर्ट के इस आदेश को हायर बेंच के सामने चुनौती देने की बात कही है। वहीं गवर्नर सीबी आनंद बोस ने भी ममता बनर्जी को कोर्ट के आदेशों से सबक लेने की नसीहत दे दी। इफ देयर इज एन एक्रिमोनियस रिलेशन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज द गवर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर हु इज गोइंग टू सफर द पीपल आर गोइंग टू सफर माय ओनली रिक्वेस्ट इज टेक ए क्यू फ्रॉम द ऑर्डर्स ऑफ द हाई कोर्ट स्टॉप द पॉलिटिक्स ऑफ वाइलिफिकेशन कम टुगेदर सत्यमेव जयते ट्रूथ विल ट्रायंफ। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर बीजेपी ने भी ममता बनर्जी को घेरा। बीजेपी नेता सुबेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, ये कितना शर्मनाक है कि एक मुख्यमंत्री ये नहीं जानती कि क्या बोलना है। वहीं बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा, कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्यपाल आनंद बोस के खिलाफ अपमानजनक बयान देने के लिए ममता बनर्जी को कड़ी फटकार लगाई। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के खिलाफ निंदा का अभियान ध्वस्त हो गया। बीजेपी के प्रहार पर पलटवार के लिए टीएमसी नेताओं ने भी मोर्चा संभाल लिया। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने दावा किया कि सीएम ममता बनर्जी ने कभी भी राज्यपाल के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। इसी के साथ उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश पर नाखुशी भी जताई। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कभी गवर्नर साहब को कोई डिफामेटरी वर्ड नहीं यूज किया है। जो इंटरिम ऑर्डर कोर्ट से हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। मैं कोर्ट को रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन नहीं होना चाहिए था। जो चीज प्रेयर में नहीं है वो ऑर्डर में आ रहा है, इसका क्या मतलब है? ये हो नहीं सकता। पूरा विवाद बंगाल गवर्नर पर लगे यौन शोषण के आरोपों और पिछले महीने दो टीएमसी विधायकों के शपथ ग्रहण समारोह स्थल को लेकर विवाद से जुड़ा हुआ है। ममता और उनकी पार्टी के नेताओं का कहना है कि एक जन प्रतिनिधि के रूप में वो अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते। मानहानि के ऐसे मुकदमों से वो नहीं डरने वाले। मैं फिर से दोहरा हूँ, राजभवन का एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन के खिलाफ एक रिस्पेक्टेड औरत का मिसबिहेव करने का बहुत गहरी एलिगेशन है। अगर ये बोलने के लिए कोई हमारा खिलाफ डिफामेशन का केस करेंगे वो कर सकते हैं, हम समझ लेंगे कोर्ट में भी रास्ते में भी। टीएमसी नेता भले ही तल्ख तेवर दिखा रहे हैं, लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद ममता बनर्जी और उनकी पार्टी बैकफुट पर है।